फाइनली खेत पहुंच चुका हूं, तो अभी स्प्रे करनी है। यहां पे बहुत दिनों के बाद आया हूं मैं भी ना, कम से कम 7-8 दिन के बाद मैं आया ही नहीं खेत पे। छल्ली तो बहुत लंबी हो गई है, बीच में कुछ गिरी हुई भी थी, ये देखो मेरे से भी ऊपर चली गई। तो बस अभी मैं पंप लेके आया हूँ, अभी करनी स्प्रे है हमने फट से, क्योंकि मौसम हो रहा है ख़राब ना, तो अभी करके फ़ायदा है। रासविन छल्ली और यहाँ एक डंडा भी टूट गया है। तो गाइस अभी स्प्रे कर रहे हैं हम, और अभी हो ही गया ख़त्म, थोड़ी सी दवाई बची है तो फिर से आगे इस साइड कर ले, तो उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर चलेंगे घर। यहाँ पसीना पसीना हो गया है बहुत ही, देखो कितना पसीना पसीना हो गया पाइप खींचते खींचते, ऊपर से कल्लब भी तोड़ दी चबानी की। इस वक्त खेत में हूँ, फिर से आया हूँ, अभी जस्ट ग्रान चुंग रहा हूँ जो गिरा था से, वो उठा रहा हूँ यहाँ पे। और तो अभी आपको क्या बताऊँ, ये पूरी पूरे 20 से वो उठाए मैंने, अभी दूसरे पेड़ के पास पहुँचा हूँ अभी यहाँ उठाने, फिर लगातार ऐसे एक एक करके सारे उठाने हैं। थक गया मैं तो, सो गया था आराम से, सोने भी नहीं देते। तो ये उठाया मैंने अभी तक भैया, और अभी यहाँ पे ढूंढना है एक एक करके कहाँ क्या है, तो बस फिर हो जाएगा काम ख़त्म शायद, कह सकता हूँ मैं, होगा कि नहीं कुछ पता नहीं था, कुछ और निकल के आता है। पत्थर के ऊपर चलते हैं, थोड़ी थोड़ी धूप लगी हुई है यहाँ पे, और नीलू भाई के फ्रास्विन सूख रहे हुए हैं, उसने खाद डाली होगी शायद तभी इसका है। उसने सेब ले लेते हैं एक, मेरे ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है, फिर सोचा मैंने सेब खाते हैं। आइयो अब तो यहाँ बैठेंगे हम, कुछ ऐसा दिखाई देता है व्यू यहाँ से, सनसेट भी होने ही वाला है, नीचे से रास्ता है, इसका डालते हैं अचार, पता नहीं क्या बोलती है इसको। चलिए हम यहाँ बैठते हैं, शाम हो गई है, और इस ब्लॉग की भी एंडिंग करते हैं हम, स्वीट एंडिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मिलेंगे कल की नेक्स्ट वीडियो में। वाइन्स आएगी कल, तो देखना ना भूले, आ रही है कल।